छोटे इस वीडियो के अंदर हम एरोप्लेक्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए जी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 22 अगस्त को ये आईपीओ में चालू होता हुआ नजर आएगा और 24 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर हम प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 108 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 130 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,040 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 120 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी लगभग हमें 4 से 4.5 हज़ार करोड़ की डिमांड हमें रिटेल कोटा के अंदर हमें देखने को मिलती है, यानी कि अराउंड 30 से 35 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी रिटेल कोटा के अंदर हमें सबक्राइब होती हुई नजर आ सकती है। अगर यहाँ पे हाइएस्ट डिमांड अगर हमें ये आईपीओ के अंदर अगर हमें देखने को मिलती है तो अगर हम जीएमपी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 20 रुपये पर शेयर की जीएमपी हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, यानी कि लगभग 17 से 18% के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे ये कंपनी का ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 351 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज है, तो देखिए एक छोटे साइज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम अभी फंडामेंटली वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी अच्छी हमें तरीके से ग्रो होती हुई नजर आ रही है। लगभग अगर हम कंपनी के मार्केट गैप की अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ प्राइस पे लगभग 1400 करोड़ के मार्केट गैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे अराउंड 37 करोड़ के कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और आईपीओ के पैसे से अराउंड 32 करोड़ का डेट यहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे हार्डली 5 करोड़ के लगभग का डेट ये कंपनी का बचेगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे कंपनी का तो वो यहाँ पे एकदम कम हो जाएगा, यानी कि एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि मतलब बैंकरप्सी के हिसाब से ये कंपनी हमें कोई रिस्क हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लगभग पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से लगभग 46 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, एक छोटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, एक छोटा बेस इफेक्ट हमें यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का नजर आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यूएशन एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा तो कॉस्टली है, लेकिन इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है अगर हम कंपनी के बेस इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो। और देखिए, यहाँ पर अगर पोस्ट आईपीओ के बाद में अगर कंपनी नेट डेट फ्री अगर ये कंपनी हो जाएगी तो उसके बाद में कंपनी थोड़ा मार्केट कैप थोड़ा जो वैल्यूएशन होता है वो मार्केट अभी प्रीमियम तभी भी देता है जब अगर कोई कंपनी एकदम डेट फ्री रहती है और वहां पर ग्रोथ के जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी अगर ज्यादा वहां पे रहते हैं तो। और यहां पर अगर शेयर होल्डर्स कोटा भी हमें यहाँ पे ये कंपनी के नजर आता है, लगभग 5 लाख शेयर्स का हमें यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा ये कंपनी में नजर आता है। और वो अगर शेड इंडस्ट्रीज के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप यहाँ पे ये कंपनी के अंदर शेयर होल्डर कोटा के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने चाहिए या नहीं, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा हाइयर साइड में हमें नजर आता है, लेकिन देखिए एक छोटा इश्यू साइज है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी हमें प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि अभी जो लगभग 15 से 20% के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि प्रीमियम में जाता हुआ नजर आएगा। ज़्यादा जाता भी तो लगभग मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि अराउंड 30-35% के लगभग हमें प्रीमियम जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो हमें प्रीमियम पर लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट में अगर कुछ एकदम अनसर्टेनिटी आ जाती है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन एक बार के लिए अगर नॉर्मल सीनेरियो अगर रहता है तो मुझे लगता है कि ये कंपनी में प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में, तो लिस्टिंग होने के बाद में यानी कि अगर 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ से कुछ एकदम अच्छा खासा मूवमेंट आना मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। लेकिन देखिए, अगर बुल मार्केट चल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक एकदम से 10-15% और अच्छा खासा मुंह दे देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि पोर्टफोलियो में रखने जैसा शेयर है, तो देखिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग देके नहीं इसको सेल करके मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि पिरामिड का पैसा क्या तब तक आ जाएगा। तो देखिए, एरोफ्लेक्स की अगर हम बात करेंगे 24 तारीख को ये आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आ रहा है, और पिरामिड की अगर हम रिफंड डेट की अगर हम बात करेंगे तो 28 तारीख को उसका रिफंड आने वाला है। तो अगर आप पिरामिड में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एरोफ्लेक्स को वो पैसे को आप एरोफ्लेक्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपके पास में चॉइस है कि आपको पिरामिड में लगाना है या एरोफ्लेक्स में, तो मेरे ख्याल से अगर मेरे पास एक आईपीओ में लगाने के अगर मेरे पास में पैसा है तो मैं यहाँ पे एरोफ्लेक्स के अंदर ही अप्लाई करूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इश्यू साइज भी थोड़ा बड़ा है तो मेरे ख्याल से अलॉटमेंट के चांसेस भी यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ के बाद में थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पिरामिड डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, लेकिन देखिए पिरामिड में जो 50% का रिटेल कोटा है वो मुझे थोड़ा वहाँ पे नेगेटिव
लगा है, यहाँ पे अराउंड 35% का रिटेल कोटा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो इसीलिए। और इसके अलावा एक बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स का भी आईपीओ आने वाला है, उसके बारे में भी जब उसकी डिटेल्स आ जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। जब तक के लिए एरोफ्लेक्स में मेरे ख्याल से आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।